यस बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं होमोफोन्स। क्या पढ़ रहे हैं? होमोफोन्स। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनका साउंड तो सेम होता है, यानी कि जो बोलने में तो सेम होते हैं, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग यानी उनका हिंदी अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे देखो, दो पिक्चर बनी हुई है। ये क्या है बच्चों? और नहीं सन। क्या है? और ये भी क्या है? सन। क्या है? सन। पर ये एक ही चीज है क्या? नहीं। हमने दोनों को सेम बोला। क्या बोला? सन बोला। देखो दोनों की स्पेलिंग देखो, एस ओ एन सन, बेटा एस ओ एन सन, सोन नहीं सन, ठीक है? एस ओ एन सन, मत एस यू एन सन। सन मतलब बेटा और सन मतलब सूर्य। इसमें ओ आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, लेकिन दोनों को हम बोलते क्या है? सन बोलते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। एक सन मतलब होता है बेटा और एक सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, समझ में आया? ऐसे वर्ड्स जो बोलने में सेम होते हैं लेकिन उनका हिंदी अर्थ, उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। समझ में आया था? अब देखो इसकी और एग्जांपल है बच्चों। एक है वी और बी, डब्ल्यू ई ए के वी, मतलब एक डब्ल्यू डबल ई के वी। डब्ल्यू ई ए के वी का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। और इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। सप्ताह के दिन जो होते हैं, सप्ताह बनता है 7 दिनों से, वो होता है डब्ल्यू डबल ई के। और डब्ल्यू ई ए के मतलब होता है वीक यानी कमजोर। क्या होता है? कमजोर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन होता है वीक, दोनों का साउंड क्या होता है? वीक, एक जैसा बोलते हैं। फिर है डी आर और डी आर, कोई बता सकता है? डी आर बहुत अच्छा लगता है, उसे हम बोलते हैं डियर। तो बोला हमने दोनों को क्या? डियर, है ना? लेकिन देखो दोनों की स्पेलिंग भी गलत अलग अलग है और दोनों का हिंदी अर्थ मीनिंग भी अलग अलग है। नेक्स्ट है बच्चों टू। ये भी टू है और ये भी टू है ना? टी डब्ल्यू और टू मतलब होता है दो, और टी डबल और टू मतलब होता है भी। आई टू, मैं भी, समझ गए? नेक्स्ट है बाय। अब बाय तीन होते हैं, बी वाई बाय, बी वाई टी बाय और बी वाई बाय। किसी का मीनिंग पता है इन तीनों में से? हाँ, बीच वाला बी वाई टी बाय यानी बाय। बी यू वाई बाय मतलब खरीदना, कोई चीज खरीदने जाते हैं हम बाय। और बी वाई बाय ये एक प्रीपोजिशन है। हाँ, फिर है राइट। राइट यानी और ये राइट वो है सही, आर आई जी एस टी राइट यानी सही, और डब्ल्यू आर आई टी ई मतलब लिखना। राइट नहीं है, राइट। राइट मतलब सही, आर आई जी एस टी और डब्ल्यू आर आई टी राइट लिखना। नेक्स्ट है नो। नो मतलब नहीं, और के एन ओ डब्ल्यू, इसको कनो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नो। इसको क्या बोलते हैं? नो। इस नो का मतलब होता है आई नो, मैं जानती हूँ, जानना। क्या होता है इसका मतलब? नेक्स्ट है रोज। क्या है रोज? क्या मतलब होता है रोज का? गुलाब का फूल। लेकिन दोनों में से एक ही है गुलाब का फूल, ये आर ओ एस की रोज यानी गुलाब का फूल, आर ओ डब्ल्यू एस रोज यानी पंक्ति, लाइन। जैसे तुम लोग लाइन से बैठे हो, ये है रो और हाँ रो सिंगुलर, रोज प्लूरल, ये गुलाब का फूल है। समझ में आया होगा?